मैं आज ये बताने वाला हूँ कि रिमोट कैसे बनाते हैं। कंट्रोल रिमोट है, ये 7 मोटर है, 7 मोटर है उसका कंट्रोल टोटल, ये कंट्रोल रिमोट बनाया है। तो यहाँ से कंट्रोल होगा मोटर, मतलब स्टार्ट स्टॉप यही है रिमोट का, कि स्टार्ट स्टॉप रहेगा, इंडिकेटर रहेगा ऑन। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये 7 मोटर है, ये उसका स्टार्ट स्टॉप है, ये बाहर लिया गया एक्सटर्नल है, क्योंकि रिमोट कहीं अपने जिधर ऑपरेट करेंगे उधर रिमोट रखता है, तो ऑपरेटिंग के लिए इजी होता है, इसलिए वायर लंबा करके स्टार्ट स्टॉप बाहर लेते तो उसी को बोलते हैं रिमोट। तो मैं उसका फंक्शन बता रहा हूँ। और इसमें कोई भी मोटर हो सकता है, स्टार्ट स्टॉप सेम जैसा रखते हैं, डुअल का भी जैसा वही है। ये मैं सब कनेक्टर जो है इधर कनेक्टर डाला हूँ स्टार्ट स्टॉप का, 3-3 वायर का है ये, 3 वायर आपका पैनल से आएगा, मेन जो पैनल होता है मोटर का कंट्रोलिंग का, वो 3 वायर इधर आएगा, और एक न्यूट्रल डाला हूँ इंडिकेटर के लिए। कोई इमरजेंसी स्टॉप भी लगाते हैं तो किसी का स्कोप रहता है, क्लाइंट स्कोप रहता है तो लगाते हैं। ये स्टार्ट है, ये नीचे रेड का जितने वो NC रहता है, वो ग्रीन जो है NO रहता है, ग्रीन हमेशा NO स्टार्ट पे पुश बटन पे रहता है, और रेड कलर का जो NC हमेशा स्टॉप पुश बटन के ऊपर रहेगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं होने का। ये दो कनेक्टर जो मैं डाला हूँ खाली छोड़ा, जो दो कनेक्टर वो उसके लिए है इमरजेंसी स्टॉप के लिए, वो रिक्वायरमेंट होकर लगाएगा इसका क्लाइंट स्कोप में। तो ये स्टार्ट स्टॉप है और उसी को बोलते हैं रिमोट, बोलते हैं रिमोट से ऑपरेट होता है, ये रिमोट है, रिमोट बनाया है। तो जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है रिमोट से कैसा होता है, रिमोट है भाई टीवी जैसे रिमोट नहीं होता है, इसको ही रिमोट बोलते हैं हम। यहाँ से आप ये जिधर लगाएंगे उधर से ऑपरेटिंग कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप मोटर को कर सकते हैं, और आपको जो मोटर ऑन रहेगा तो इंडिकेटर भी दिया गया है, पता चलेगा आपको ये मोटर ऑन है, बस इतनी फंक्शन रहता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।